नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताते चले कि आपको सोमवार को उनकी तबीयत लखनऊ में खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनकी कोरोना जांच हुई, कोरोना की जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद आज उन्हें मंगलवार को PGI अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में कोरोना के कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें नेता हों, चाहे सत्ताधारी पार्टी के नेता हों, चाहे विपक्ष के हों, कई लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर के जो रिकवरी रेट है वो ठीक है, लेकिन लगातार कोरोना के जो नए मामले आ रहे हैं वो सरकार के लिए चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि सोमवार को 605 नए मरीज संक्रमित पाए गए थे। इसे मिलाकर प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या कुल जो है 18,442 हो गई थी। इसके अलावा 19 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। अब तक प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या की बात करें तो लगभग 570 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं कोरोना संक्रमण से 606 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या जो है वो लगभग 11,500 के पार चली गई। लेकिन यही बात है राहत भरी कि कोरोना के मरीज उत्तर प्रदेश में तेजी से ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के संक्रमण का जो फैलने का मामला है उस पर फिलहाल किसी भी तरह का कंट्रोल होता नहीं नजर आ रहा है।